कोकोनट की फैक्ट्री और चालिया की फैक्ट्री सील करने के बाद अब जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो आगे जा रहे हैं बाइक पे, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। देखते हैं कि कहाँ जाकर वो ब्रेक लगाते हैं और कौन सा पॉइंट है और किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। मजीद आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। फैक्ट्री के बाद हम लोग यहाँ पे आए और ड्रग जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, फूड इंस्पेक्टर मेरे साथ खड़े हैं, अंदर गए हैं, इसको चेक करेंगे। लेकिन इसकी बाहर की हालत मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बर्फ़ खाना है, आइस बनाने वाली फैक्ट्री है। यहाँ पे आप गन देख सकते हैं कि बाहर जोहर आप देख लें कि गंदे नाले का गंदा पानी यहाँ पे मौजूद है। और बाहर के ये हालात है तो अंदर के क्या हालात होंगे, क्या इनके पास जो आले हैं, स्वांचे हैं जिससे बर्फ़ जमती है, वो जंग आलूद है या वो ठीक है, मैं अंदर जाकर वो चेक करूँगा और आपको दिखाऊँगा। फैक्ट्री के अंदर मैं इस वक्त आ गया हूँ, लेकिन इनके पास लाइसेंस है या नहीं है। मेरा भाई इधर बात सुनो, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर आओ। कब से बना रहे हो बर्फ? बर्फ हो गए 2 साल हो गए बना। 2 साल हो गए। लाइसेंस है? लाइसेंस। हाँ हाँ। किधर है वो? मालकान के पास है। मालिक किधर है? मालिक घर पे है। तो लाइसेंस तो इधर होना चाहिए ना, आपके पास होना चाहिए। कोई तो दफ्तर नहीं ना आया भाई। आपने अपने बर्फ खाने के बाहर एक चीज चेक की है? क्या चीज है? मैं दिखाऊँ आपको? हाँ दिखाओ। ये बाहर जो गंदा पानी है, हाँ जी, चौपट का, ये देखो ना, ये गंदा जी, ये क्यों है और ये साफ क्यों नहीं करते? ये सफाई कराते रहते हैं, मोड़ भी उधर गड़ियाँ आती हैं ना वो कर। अभी क्यों नहीं साफ? अभी करा देते हैं भाई जान। पहले क्यों नहीं किया? कल किया था। ये एक दिन का नहीं लग रहा भाई जान? वो नाल गुलाब के फूल वाले हैं ना वो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये जो पानी नजर आ रहा है ये झूठ बोल रहा है? हाँ दिन का नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपको, आप कह रहे हो नहीं है, मैंने कल किया था। नहीं इधर पानी भाई जान चलता रहता है ना भाई जान, पानी इधर चलता रहता है ना, क्या करें? तो उसका इंतजाम करो ना, कुछ उसकी जगह निकालो ताकि पानी सेफ जाए ना, के बाहर जोड़ पट्टी बने और यहाँ पर डेंगू पैदा हो। ठीक है कर देने भाई। कब करेंगे? अभी कर दो। तरह से ये चल रहा है यहाँ पे ऐसे। अच्छा स्वाइन चौक पे जंग लगा हुआ है आपके? ये जंग लूंगा। ये क्या है? ये देखो ये क्या जंग नहीं है, ये जंग है, ये देखो ये जंग, ये बाहर रहता है अंदर नहीं। और जंग है ना इसके ऊपर, ये जंग नहीं है भाई जान। ये जंग वाली बर्फ हमें पिला रहे हो भाई जान? ये बाहर नमक है, बर्फ हमें पिला रहे हो। क्या तय पाया गया है कि क्या करेंगे? ये इसके ऊपर ना छापर डालेंगे, ये आप हफ्ते बाद इसको चेक करेंगे हम, ठीक है ना? अगर लाना हो जाए तो सील कर देना जी। बिल्कुल ठीक है छापर। ऐसा ही रहा, यही हालात रहे तो आपने इंस्पेक्टर साहब की बात सुनी है ना कि क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल सील कर देंगे। एक चीज़ का और भी ख्याल रखना है आपने, वो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इंस्पेक्टर साहब भी खड़े हैं, नीचे बर्फ़ है, हमारे घरों में जाती है, ठीक है? आप लोग जूती लेके ऊपर घूमते हो, इसका ख्याल करो, ठीक है? पाँव धोगे नंगे पैर फिरो, हम आए हैं, मैं भी कहूँ भाई जूती उतार के आओ, ठीक है? सच्ची करो इस तरह में, क्योंकि ये सारा खाने वाली चीज़ है, घरों में जाती है, लोग खाते हैं, गरीब आदमी खाते हैं, चलो जिनके घर फ्रिज हैं वो तो सही कर लेते हैं। वाला भी पीता है, ये तो नहीं सारे पीते हैं। गंदा तो ना पिलाओ, सारे पीते हैं, गंदा तो ना पिलाओ ना भाई, कचरे वाला ना पिलाओ भाई, हमें बीमार करना है, हम भी पाकिस्तानी हैं भाई, आप भी पाकिस्तानी हो। छापर वाला काम कर देते हो, पाकिस्तानी होने का सबूत दो। ठीक है भाई, ना करो अच्छा काम करो, आपको साफ वार्निंग दे रहे हैं। कल को ये ना कहना कि हमें वार्निंग नहीं मिली, हमें ज्यादती होगी हमारे साथ, हमें कहा नहीं गया, कल को आपके ये अल्फाज नहीं होने चाहिए। ठीक है जनाब, कोई और भी आता है तो। ठीक है जनाब, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि हम लोग गए कोकोनट बनाने वाली फैक्ट्री में, वहाँ पर किस तरह किस तरीके के साथ कोकोनट तैयार की जा रही थी, और सिक्योरिटी गार्ड जो कि सिक्योरिटी की ड्यूटी देता था, और वो वहाँ पर कारीगर भी बना हुआ था और कोकोनट भी तैयार कर रहा था और ज़मीन पर रख कर तैयार कर रहा था, ये सब कुछ हमने आपको दिखाया। और दूसरा हमने इस फैक्ट्री का विजिट किया जहाँ पर ये बर्फ़ बनती है, इसमें आपको कचरा भी दिखाया, बकौल इस फैक्ट्री के मालिक के वो भी मान रहा है कि ये कचरा है, और ये कचरा इन फट्टों की वजह से, ये जो लकड़ी की पड़ी हुई है इनकी वजह से आता है, ये सब कुछ हमने आपको दिखाया। लेकिन थोड़ा सा एहसास हम लोगों में होना चाहिए, थोड़ा सा एहसास इस चीज़ का कि हम लोग ये चीज़ें खाते हैं, हमारे बच्चे खाते हैं, ये बर्फ़ हमारे घरों में जाती है। और इसके बाद उस फैक्ट्री को सील किया डिपार्टमेंट ने, यहाँ पर इन साहब को वार्निंग दी, और ये साहब कहने के आइंदा के लिए हम लोग सफाई का बड़ा ख़ास ख्याल रखेंगे, और ये अच्छी बात है, वार्निंग भी देनी चाहिए। जहाँ पे गंद नज़र आए, जो ज़्यादा नज़र आए, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको तो कार्रवाई गवर्नमेंट करती है, सील करती है, लेकिन
वार्निंग भी देनी चाहिए और वार्निंग इनको मिली। और इनका कहना है कि हम लोग नेक्स्ट सफाई का खास ख्याल रखेंगे। आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।